हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। इन द सर्क्यूट शोन, ए एंड बी आर टू सेल्स ऑफ सेम ईएमएफ ई बट डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर वन एंड आर टू, वेयर आर वन इज ग्रेटर देन आर टू रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल ए इज जीरो अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द की इज क्लोज्ड। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट स्टेडी स्टेट ऑफ एन एलसीआर सर्क्यूट। तो एक एलसीआर सर्क्यूट में स्टेडी स्टेट तब अचीव होता है व्हेन दी इम्पेडेंस फ्रॉम द इंडक्टर, इम्पेडेंस फ्रॉम इंडक्टर विच इज गिवन बाय ओमेगा एल इज जीरो एंड इम्पिडेंस फ्रॉम द कैपेसिटर, इम्पिडेंस फ्रॉम कैपेसिटर जो दिए हैं, जिसको एक्सप्रेशन है वन बाय ओमेगा सी। यहाँ पे एल इंडक्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है, ये इन्फिनिटी पे जाता है। और जब एक इंडक्टर व्हेन इट इज सिटिंग इन अ डीसी सर्क्यूट तो देर विल बी नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है एंड देयरफॉर द इंडक्शन बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्क्यूट पाथ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम जो डिटेल्स क्वेश्चन में दिए हैं उसको नोट करेंगे। सो गिवन ई एम एफ ऑफ सेल ए एंड सेल बी, दोनों एक ही वैल्यू का ई एम एफ है विच इज गिवन बाई ई। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए, उसका वैल्यू, उसका नोटेशन दिए है आर वन। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बी वो है आर टू, और क्वेश्चन में ये दिए है कि आर वन इज ग्रेटर देन आर टू। तो अभी पहले हम द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्क्यूट तो वो है, सो फिगर से हम ये देख सकते हैं कि देर आर टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल एंड देन वन इन सीरीज, एंड दैट कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल अगेन विथ टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल एंड वन रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सो देयरफॉर दिस विल बी वन बाय आर इक्विवेलेंट। तो अभी दिस विल बी वन बाय आर बाय टू प्लस आर। तो ये है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, ये जो है ऊपर का द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका इक्विवेलेंस है आर बाय टू प्लस आर, एंड दिस इज इन पैरेलल विथ आर बाय टू प्लस आर। सो देयरफॉर दिस इज अगेन प्लस वन बाय आर बाय टू प्लस आर। सो वी विल गेट वन ओवर आर इक्विवेलेंस एज 4/3 R। तो द इक्विवेलेंस ऑफ दिस सर्क्यूट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 3/4 R। अभी नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि सेल ए एंड सेल बी आर इन सीरीज, वी विल गेट
इंटरनल रेजिस्टेंस एज आर वन प्लस आर टू. So therefore we can say, therefore current in the circuit, तो current in the circuit को हम अभी लिख सकते हैं, तो I is equal to, so because A and B have the same EMF, so that will be 2 times E divided by the टोटल रेजिस्टेंस. पहले ऐसे लिखेंगे, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. सो दिस इज 2 टाइम्स ई डिवाइडेड बाय, अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ 3/4 R, 3/4 R प्लस आर वन प्लस आर टू. सो अभी ये दिए है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए इज जीरो, तो तब हमें वैल्यू ऑफ आर को कैलकुलेट करना है. सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल ए इज जीरो, तो ई माइनस आई इंटू आर वन, ये है ई एम एफ एंड दिस इज द करंट इंटू द इंटरनल रेजिस्टेंस, सो दिस इज इक्वल टू जीरो. सो वी कैन देयरफॉर राइट ई माइनस आई का वैल्यू हमें मिला है 2E डिवाइडेड बाय 3/4 R प्लस आर वन प्लस आर टू. इंटू यहाँ पे है आर वन, सो दिस इज इक्वल टू जीरो. तो ये टर्म्स को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज ई इंटू 3/4 R प्लस आर वन प्लस आर टू माइनस 2R1 इज इक्वल टू जीरो. तो ई तो ई का वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकता है, सो द टर्म्स इन द ब्रैकेट कैन बी इक्वेटेड टू जीरो. देयरफॉर वी विल हैव 3/4 R प्लस आर टू माइनस आर वन इज जीरो. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस फॉर विच द पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल ए विल बी जीरो. That value will come out to be 4/3 that will be 4/3 into R1 minus R2. So this is the value of the resistance for which the potential difference across cell A will be zero. Hope you have understood it well. Best of luck.